हेलो फ्रेंड्स, आज हम झबले का एक और डिज़ाइन लाए हैं। इसके लिए हमने बचे हुए कपड़े यूज़ किए हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास मैरून कपड़ा है, थोड़ा प्रिंटेड है, इसी से हम झबला बनाएंगे। सबसे पहले कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी डायमेंशन अभी आपको बताते हैं हम। ये 1 से 1.5 साल के लिए बच्चे के लिए परफेक्ट होगा। और देखिए, इसकी चौड़ाई जो हमने ली है डबल करके, ये 13.5 इंच है और लंबाई भी लगभग 13.5 इंच ही है। ये देखिए, ये काफ़ी ढीला ढाला और बहुत ही आरामदेह बनने वाला है। अब हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड कर लिया हमने इसे। खुली तरफ हमने अपनी तरफ रखी। सबसे पहले हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो आप इधर से देखेंगे तो 2 इंच लगभग, या अगर आप गले की तरफ से देखें तो हम 4.5 इंच पे एक मार्क लगाने वाले। तो ये हमने गले की तरफ से 4.5 इंच पे मुड्ढे का माप लगाया है। इसके बाद गहराई नीचे मुड्ढे की जो गोलाई है उसके लिए हम 3.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर की तरफ इसमें पट्टी लगाने वाले हैं तो वो बढ़ जाएगा, इसलिए हमने 3.5 इंच पे ही लगाया, गोलाई दे ली। इस तरह से हमने आस्तीन के लिए निशान लगा लिए। इसके बाद हमने जो गला बनाना है उसके लिए 2.5 इंच पे यूँ निशान लगाया, और गहराई में भी हम 2.5 इंच पे आगे की ले लेंगे। ये देखिए, 2.5 इंच पे आगे की ले लिया है। और पीछे के लिए हम सिर्फ 1 इंच पे लेने वाले हैं, या आप 2 इंच पे ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। तो ये हमने 1 ही इंच पे हम लेंगे यहाँ। तो इस तरह से हमें 2 इंच निशान मिल गए हैं, 2.5 और 1 इंच पे। इस तरह से हम गोलाई दे लेंगे इसे। हम इसे इसी तरह से कट कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं निशान लगाना है। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है, मेनली लड़के के लिए हम ये बना रहे हैं। तो हम इस तरह से इसे सबसे पहले पीछे का गला कट करेंगे, इसके बाद दोनों पल्लों को हम अलग कर लेंगे। आगे के पल्ले को फिर से मोड़कर हम जो आगे का गला है उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गई। इसके बाद स्टिचिंग के लिए हम और एक पट्टी काट लेंगे मैरून कलर के कपड़े पे से। ये देखिए, इस तरह से कट किया, आसानी से बन जाएगा ये कटिंग। इस तरह से हमारी हो गई है। तो हम बीच में से जुड़ा है इसको भी अलग कर देते हैं, ये हो गया। अब जो ये कपड़ा है इससे और ये पट्टी काटना है, तो तिरछा इसे पट्टियाँ काटना है। ये देखिए, पहले से हमने तिरछा सा है, ये हमें इस तरह से 2 इंच की लगभग पट्टी कटेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं सिलाई के लिए। जो बीच के दोनों पॉइंट है गले के, इस पे हम एक एक बॉक्स प्लेट ले लेते हैं और उस पे पिन लगा लेते हैं, इससे गला का लुक अच्छा आ जाए। तो हमने ये बॉक्स प्लेट ले ली गले के बीच में, और यहाँ हम पिन लगा देंगे, और पीछे भी हम ऐसे ही बॉक्स प्लेट देंगे, इससे लुक बहुत अच्छा आता है इस तरह का। तो हमने जो प्लीट्स दी हैं उस पे हमने पिन लगा देना है इस तरह से। देखिए, ये आगे पे एक प्लीट दी है, और ऐसे ही प्लीट हम पीछे की तरफ भी देंगे। तो ये पीछे का पल्ला है, इसमें भी हम बीचों बीच का निशान लगा के, और फिर उसके दोनों तरफ छोटी छोटी सी प्लीट्स दे देंगे। इसके बाद ये देखिए, ये प्लीट्स बन गई। इसके बाद जो ये मुड्ढे वाला कपड़ा है इसे हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, जिससे कि रॉ एजेस मुड्ढे के सिक्योर हो जाए। तो हम मुड्ढा सिल रहे हैं यहाँ ऐसे। कंधे पे हमारे सिर्फ पट्टी रहेगी, इसलिए ये सिक्योर करना ज़रूरी है। सभी चारों जो हमारे हैं लाइनें, उसे हम इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे शोल्डर से मुड्ढे तक ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेना है। ये हो गई डबल फोल्ड। सभी को ऐसे करने के बाद जो हमारी 2 इंच की पट्टी है उसे अब हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो ये देखिए, आगे पीछे का पल्ला रेडी है। अब इस पट्टी को लेना है, इसे डबल फोल्ड करना है, और किसी भी एक मुड्ढे से स्टार्ट करते हुए, याद रखिए पीछे की तरफ अंदर की तरफ ये रॉन्ग साइड में पट्टी रख के सिलना है। रॉन्ग साइड में हमने पट्टी को रखना है डबल फोल्डेड, और उसके बाद गोलाई जैसे जैसे है उसी के हिसाब से हमें ये पट्टी मुड्ढे वाले हिस्से पे, यानी आस्तीन वाले हिस्से पे यूँ जोड़ती जाने हैं।
अब देखिए मुड्डा आ गया। यहाँ पे हमें 2.5 इंच का एक निशान लगाना है इस पॉइंट से, तो हमने यहाँ पे इंची टेप रखा, 2.5 इंच का एक निशान लगा देना है हमें। इतनी पट्टी हम फ्री छोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। इतनी पट्टी पे हमें नहीं कुछ करना है, यहाँ पे सीधी ऐसे ही सिलाई दे लेनी है। अब इस पॉइंट से पहले जो दूसरा, ये देखिए एक तरफ तो हमारा मुड्ढा जुड़ गया, अब जो दूसरा पल्ला है उसका भी हम उल्टा तरफ ये पट्टी रख के यहाँ हम सिल लेंगे। तो ये इस तरह से सिला है, ये दूसरा मुड्ढा आया, इसके ऊपर का पोर्शन, गले वाला पोर्शन हमने यहाँ रखा, मतलब गले की तरफ वाला जो आस्तीन का पोर्शन है जो डबल फोल्ड किया था, वहाँ से एंड तक हमने इस तरह से सिल लिया है। इसे कट कर देंगे अभी एक्स्ट्रा पट्टी को। ये देखिए दोनों इस तरह से जुड़ गए। अब एक बार फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे आगे की तरफ, यानी फ्रंट साइड में। अब इस पट्टी को, क्योंकि ये डबल फोल्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे फ्रंट साइड में मोड़कर, फ्रंट साइड में इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई करनी है। डबल फोल्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आती है यहाँ खाली हिस्से वाली, तो थोड़ा सा इसे रॉएज को अंदर की तरफ मोड़ा और फिर पट्टी को डबल किया, इस तरह करते हुए हमें ये सिलाई करनी है। ये देखिए ये पट्टी हमारी मुड्ढे यानी आस्तीन वाले पोर्शन में पूरी इस तरह से लगा लेनी है। दोनों ही मुड्ढों में हमें ऐसे ही पट्टी लगानी है। देखिए लुक इसका ऐसे आता है। अब दूसरे में भी हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए एक से तरफ से शुरू कर दोनों मुड्ढों में इसी तरह से हमने लगाना है। ये देखिए अब हमें गले के पोर्शन पे लगाना है, तो गले के पोर्शन में भी यही हमने 2 इंच वाली पट्टी डबल फोल्ड की है, और कहीं मुड्ढे के जहाँ से ये है उल्टी तरफ पट्टी रखे। याद रखिए पट्टी हमेशा उल्टी तरफ रखना है, और इसे पूरा गोलाई में हमने पिन लगाई हुई है जो बॉक्स प्लीट दी हुई है, तो वो जब हम सिलाई करेंगे तो पिन को हटा देंगे, नहीं तो सुई टूटने की खतरा है। ये देखिए पिन हटा दी हमने, और इसे ऐसे ही सिलते हुए जाएंगे ये गले के एक पोर्शन से एक दूसरे पोर्शन तक। अब यहाँ में फिर से देखिए एक तरफ लग गई पट्टी, अब 2.5 इंच हमें छोड़ना है, तो हम इंची टेप लगाएंगे, इंची टेप का निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे, और उसके बाद यहाँ तक फ्रीली हम सिलते हुए जाएंगे। और उसके बाद जो गले का दूसरा हिस्सा है उसको अब हम इस पॉइंट पर रख के, तो देखिए हमने निकाल ही लिया है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए उसी पॉइंट पे दूसरी तरफ के गले का हिस्सा रखते हुए हमें अब सिलना है। ये ध्यान से देखना है कि दूरी, ये ध्यान देना है कि गले और मुड्ढे की दूरी बराबर हो। तो देखिए अब दूसरी तरफ का गला हम सिल रहे हैं, उल्टी तरफ ही पट्टी रख के सिल रहे हैं। इसी तरह पूरी गोलाई में हमें पट्टी लगा लेनी है गले के चारों ओर। ये देखिए अब यहाँ पे भी पिन हम निकाल लेंगे, पिन निकालना ज़रूरी है। इस तरह से पिन निकाल के सिला, और फिर घुमाते हुए इस एंड तक गए। इस एंड के पर आने के बाद फिर 2.5 इंच हम छोड़ेंगे, फ्रीली सिलेंगे। ये देखिए नाप के 2.5 इंच ही रखना है हमको, और यहाँ तक सिल के जो आगे का पल्ला है यहाँ पे इस तरह तक पहुँच जाना है। तो जो पट्टी हमने रखी थी वो थोड़ी बड़ी रखी थी, उसे डबल फोल्ड किया और उसी के ऊपर ये पट्टी भी सिल दी। तो इस तरह से हमने गले के चारों ओर पट्टी लगा ली, एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। अब इस पट्टी को अब हम आगे की तरफ मोड़ के, और फिर उस पर एक बार जैसे हमने आस्तीन पे डबल एक सिलाई करी थी, देखिए ये एज हमारा ये जहाँ शुरुआत की थी उसे हमने डबल फोल्ड कर दिया था, तो वो तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे एज रॉएज कोई नहीं दिखेगा। इसे अब हम आगे की तरफ फोल्ड करके पट्टी को, ये देखिए याद रहे जब हम खाली जो पट्टी है उसको फोल्ड करने से पहले एक बार रॉएज दबाना है और फिर उसको ऊपर फोल्ड करना है। तो इस तरह से आगे पट्टी को ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करके हम सिलते जाएंगे पूरा गोलाई में, जैसे हमने आस्तीन में किया था। पट्टी आप अपने हिसाब से चौड़ी या पतली बना सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी दोनों तरफ की रेडी हो गई है।
अब साइड का जो है हमारी ये सिलाई हम दे देंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत जल्दी ये बन जाता है, तो साइड की सिलाई भी हम दे लेंगे। ये साइड की सिलाई ऐसे हम दे लेंगे, एक साइड की हो गई, दूसरी साइड का भी ऐसे ही हम मिले। एक तरफ साइड फिटिंग करने के बाद हम ये दूसरी तरफ भी साइड फिटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ जो नीचे की तरफ फ्रॉ एज है उसको सिक्योर करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ रॉन्ग साइड में हम डबल फोल्ड कर लेंगे। पूरा गोलाई में नीचे हम इस तरह से ही डबल फोल्ड करते हुए जाएंगे। ये हो गया ऐसे ही पूरे में, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए झबले का फाइनल लुक, ये बहुत ही खूबसूरत और जल्दी बन गया। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप दोनों पट्टी बांध भी सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाएं।